नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, CGL मेंस की हमारी 45 डेज की एक सीरीज चालू करी है मैंने, जिसका आज 9th डे है, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रॉपर मेहनत कर रहे होंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से सारे टारगेट्स फॉलो कर रहे होंगे, एक कॉपी में टारगेट्स नोट भी कर रहे होंगे, और नोट करने के बाद में उन टारगेट्स के आगे टिक भी लगा रहे होंगे डेट वाइज, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, आज के टारगेट्स अपन नोट कर लेते हैं। सबसे पहले उठते से अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें आप 15 एडिशन करते हो, 15 मल्टीप्लिकेशन करते हो, स्क्वायर 1 से 60 तक लिखते हो, क्यूब लिखते हो 1 से 30 तक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिखते हो, और पाइथागोरस सेपरेट लिखते हो, है ना। ये सारी चीज़ें वैसे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, द वर्सेटाइल मेंटोर नाम है उसका। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें वोकैब की, तो वोकैब 160 से लेकर 190 तक की वोकैब आपको किसी भी प्रीवियस ईयर से किताब से करना है। हम लोग किरण बिनाकल फॉलो करते हैं। वोकैब में 5 चीज़ें आती है, एंटो, सिनो, ईडियम, वन वर्ड, स्पेलिंग, है ना। प्लस इसके साथ 5 क्विजेज भी लगानी है आपको इन 5ों टॉपिक्स की, एक क्विज एंटो की, एक सिनो की, एक ईडियम की, एक वन वर्ड की, और एक स्पेलिंग की। समझ में आ गई बात इतनी मेरी? आगे बात करते हैं, अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। मैथ्स में देखो, टोटल मैथ्स के ना 20 चैप्टर है, उनको 5-5 के 4 हिस्सों में तोड़ना है, और तुमको उनके 5-5 क्विज डेली लगाना है। जैसे आज जो टर्न है वो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI और डिस्काउंट। ये 5 चैप्टर के क्विज को आपको लगाना है, 10-10, 20-20 क्वेश्चन लगाने हैं, मतलब नियरली। तो ये आपका रिवाइज होगा। फिर कल अगले 5 चैप्टर, फिर अगले 5, फिर अगले 5, 4 दिन में 20 चैप्टर कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट डे क्या करोगे, ये जो फर्स्ट डे के 5 चैप्टर थे इन्हीं को उठाना है वापस। ठीक है, आगे इंग्लिश की बात करें, रीडिंग कंपलसरी है, किसी भी हालत में रीडिंग आपको करनी है। ठीक है, शुभम जैन सर ने क्या करा है, PQRS जो अभी टीयर 1 में आए थे वो पूरे कंबाइन करके डलवा दी PDF, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया, वहाँ से आपको PQRS निपटाने हैं। आज से 20-20 PQRS जल्दी करके 10 दिन में निपटा दो। पहला काम रीडिंग कंपलसरी है, 15-20 मिनट की रीडिंग डेली करना है। क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन अगले 5-5 आपको किसी भी हालत में करना है। फिर एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलअप अगले 15-15 आपको करना है। इतनी बात ध्यान रखना। कल से इंग्लिश की इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो निकाल के देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डेली एक एक वीडियो अपलोड करना है, टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में आपको पहले बता चुका हूँ, सिटिक अरेंजमेंट के लिए 4 दिन का टाइम आपको दिया है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन के कल 30 क्वेश्चन के होंगे, आज वापस 30 क्वेश्चन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें गलतियाँ होती है। वीडियो मैंने उसकी पहले डलवा दी थी टेलीग्राम पे, जिसने नहीं देखी है पहले जाके देख लो। ठीक है, GK की बात करें, SSC परमार की वीडियो देखना है, प्लस आज से स्टैटिक का एक टॉपिक चालू करेंगे, तो एक टॉपिक जो आपको देखना है डांस का टॉपिक देखना है आज, कि भारत के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके जो डांसेस के नाम है, कौन सी स्टेट का है वो करना है। देखो, अपन स्टैटिक को इस तरीके से चलाएंगे, 6 टॉपिक करेंगे स्टैटिक के, और फिर 6ठे दिन 6 के 6 के 6 क्विज लगा देंगे, है ना। ऐसे करके फिर धीरे धीरे मतलब रिविजन के लिए क्विजेज लगाते रहेंगे, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, आगे बात करूँ दोस्तों, इसके बाद में रीजनिंग हो गया, GK हो गया, कंप्यूटर में रजिस्टर मेमोरी और उसके टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन करना है आपको, है ना। कंप्यूटर की एक स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो शायद कल डली थी चैनल पे, तो उसको जाके चेक कर लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। 2 महीने तक वही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है, तो आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, चैनल जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, बाय।